अस्सलाम वालेकुम मम्मी जायका में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टफ दही वाली भिंडी बनाने जा रहे हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। ये 150 ग्राम भिंडी है, इसको हमने अच्छे से धो के पोंछ लिया है और इसके बीच में चीरा लगा लिया है। ये देखिए ऐसे लंबे लंबे चीरे लगा लेने के। ये हमने 2 टेबल स्पून दही लिया है। ये 1 मीडियम साइज की प्याज है जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये 1 टीस्पून जीरा है। ये एक हरी मिर्च है जिसको हमने बारीक काट लिया है। ये 1 चुटकी हींग है। ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून ऑयल है। ये कुछ मसाले हैं। ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, पाव यानी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। चलिए अब हम भिंडी में स्टफिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारे मसालों को इसमें मिला लेंगे। ये प्याज डाली, हरी मिर्च, हींग, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारे सूखे मसाले। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा दही डालेंगे। ये जीरा हम तड़के के लिए रखेंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें भिंडी में स्टफ करेंगे। फिर इसको हल्के से खोलेंगे। हमारी भिंडी में हमने सारा मसाला भर लिया है। अब हम एक पैन में ऑयल गरम करने रखेंगे। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें जीरा डालेंगे। जब तक हमारा जीरा भुन जाता है, ये देखिए जीरा हमारा भुन चुका है। अब हम उसमें स्टफ भिंडी डालेंगे। इसको बराबर से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। ध्यान रखें दही बहुत खट्टा नहीं हो और घर का जमा हुआ हो तो ज्यादा बेहतर है। दही डालेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। देखिए अभी से ही बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ढक के रखेंगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर भिंडी गलने तक ढक के रखेंगे। ये देखिए हमारी भिंडी पक चुकी है, बहुत बढ़िया लग रही है। अब इसको हम प्लेट आउट करेंगे। देखिए देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है। मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरी वीडियो के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।